एनडीए 3.0 की सरकार में केरल के त्रिशूर से बीजेपी सांसद ने भारत सरकार में मंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद से सोशल मीडिया पर अफवाह फैलने लगी कि फिल्मों में काम करने के लिए सुरेश गोपी अपना मंत्री पद छोड़ना चाहते हैं। जब सुरेश गोपी को इस भ्रामक खबर का पता चला तो उन्होंने इसका सिरे से खंडन किया। ज्ञात हो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में राज्य मंत्री बने सुरेश गोपी ने सोमवार को मंत्री पद छोड़ने वाली खबरों को गलत बताया है। सुरेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म गलत खबर फैला रहे हैं कि मैं मोदी सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने जा रहा हूं। यह पूरी तरह गलत है। मोदी जी के नेतृत्व में हम केरल के विकास और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं। दरअसल एक मलयालम टीवी चैनल ने गोपी के हवाले से दावा किया था कि वे मंत्री नहीं बनना चाहते हैं और एक सांसद के रूप में काम करेंगे। एक्टर से राजनेता बने गोपी ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कहा था कि वे फिल्म इंडस्ट्री नहीं छोड़ेंगे क्योंकि एक्टिंग उनका जुनून है। उनके पास पहले से ही कुछ फिल्म प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। गोपी केरल से भाजपा के पहले सांसद हैं। उन्होंने त्रिशूर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और CPI के सुनील कुमार को करीब 75,000 वोटों से हराया। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के दौरान अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी का मुख्य चुनावी मुद्दा था कि त्रिशूर के लिए एक केंद्रीय मंत्री, मोदी की गारंटी। गोपी केरल से भाजपा के दो उम्मीदवारों में से एक थे। दूसरे नेता जॉर्ज कुरियन हैं, उन्हें भी राज्य मंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ज्ञात हो साल 2019 में सुरेश गोपी त्रिशूर से लोकसभा चुनाव हार गए थे। उन्हें 2021 के विधानसभा चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव में गोपी को पहली जीत 2024 लोकसभा चुनाव में मिली। उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार सुनील कुमार को हराया। कांग्रेस के सीनियर नेता और सांसद मुरलीधरन इस सीट से तीसरे नंबर पर रहे। सुरेश गोपी ने चुनावी एफिडेविट में बताया है कि उनके पास 12 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनके पास 8 गाड़ियां और 1025 ग्राम सोना भी है। हलफनामे के अनुसार एक्टर की अचल संपत्ति वर्तमान में 8.5 करोड़ रुपए है, जिसमें खेती के लिए 2 जमीन और 7 घर शामिल हैं। सुरेश ने 1965 में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी की लगभग 250 फिल्मों में काम किया है। 1992 से 1995 तक उन्हें सुपरस्टार का टैग मिला था। 1998 में उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड और केरल राज्य अवार्ड मिला था। वे BJP के राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। सुरेश गोपी से जुड़े इस अफवाह पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, खबरवाल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।